यूपी के कासगंज जनपद में गंगा दशहरा के दिन सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि हर साल गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दूर दराज से स्नान करने आते हैं, लेकिन कोरोना महामारी में अनलॉक वन के चलते श्रद्धालुओं पर रोक लगाई गई। एसडीएम शिव कुमार ने बताया कि गंगा स्नान जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाकर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर गंगा दशहरा के पावन पर्व पर संत महात्माओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी के साथ साधु संतों ने गंगा स्नान किया। इस दौरान साधु संतों ने कोरोना वायरस से देश और दुनिया को मुक्त कराने के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की। आपको बता दें कि गंगा दशहरा माँ गंगा के अवतरण का दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारत को कोरोना मुक्त किया जाए, अभी पूरे विश्व को कोरोना मुक्त किया जाए, आज हमारा यही संकल्प है। यह महा जो बीमारी है वह इससे बहुत ही जल्दी भारत इसे निजात पावे और मुक्ति मिले, तो इसीलिए हम लोगों ने आज पूरे संत महात्माओं के साथ अखाड़ा परिषद गंगा स्नान गंगा दशहरा आज हम लोगों ने स्नान किया और सभी संत महात्माओं ने इस संकल्प